हे गाइस, मैं कमलेश सिंह मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के ब्लॉग में हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। गाइस, आज हमारे पास हैदराबाद से 21 श्रद्धालुओं का समूह है। इस टूर को दक्षिण भारत से संतोष भाई ऑपरेट कर रहे हैं और पिथौरागढ़ में इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। यह मेरा पहला टूर है जिसमें मैं दूसरे होटल्स, होमस्टेज और वाहनों पर आश्रित हूँ। आज मैं टूर संचालन का पहला अनुभव लेने जा रहा हूँ जिसमें मेरे साथ पिथौरागढ़ से निकित भाई हैं। हम लोग प्रातः 8 बजे पिथौरागढ़ से धारचूला की ओर निकल चुके थे और अभी हम धारचूला से आगे व्यास वैली में हैं। व्यास वैली में महाकाली का यह रुद्र रूप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, यह सफर ना ही साहसिक और हसीन होते जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव हमारे मनों में हमेशा के लिए छप चुके हैं। हम जैसे जैसे आदि कैलाश की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, यह सफर और साहसिक होते जा रहा था। इस यात्रा के लिए हमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जिसकी जांच जगह जगह पर ITBP के चेक पोस्टों द्वारा की जाती है। करीब 8 घंटे की यात्रा के पश्चात हम आज के हमारे गंतव्य स्थल नाभी पहुँचे। नाभी में हम होमस्टे में आवास कर रहे हैं। नाभी में मौजूद प्राचीन मकान बता रहे हैं कि यह गांव कितना पुराना है और इस गांव की विरासत को कितने मेहनत और प्यार से यहाँ के ग्रामीणों ने सजो के रखा है। नाभी में प्राचीन पत्थरों से बने हुए मकान और उनमें लगी हुई लकड़ियों पर जो नक्काशीदार शिल्पकारी की गई है, वह बताती है कि यह सभ्यता कितनी प्राचीन और कितनी समृद्ध रही होगी। यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा होमस्टे के कार्य पर जोर दिया जा रहा है। बहुत सारे प्राचीन मकानों को होमस्टे में तब्दील किया गया है, जो इस दुर्गम क्षेत्र में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गाइज, आज हमारा नाभी में पहला दिन है और कल सुबह हम आदि कैलाश के दर्शन के लिए निकलेंगे। नाभि के इस खूबसूरत गांव में एक रात गुजारने के पश्चात आज हमारा नाभि में दूसरा दिन है और आज मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आपको हमारे आसियाने को दिखाने की। यह नाभि में मेरा पहला अनुभव है और मुझे यहाँ के ग्रामीण बहुत ही चुस्त महसूस हुए। प्रातः 4 बजे से मुझे ग्रामीणों की चहलकदमी महसूस होने लगी थी। मैंने महसूस किया प्रातः 4 बजे से यहाँ के ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में जुट गए थे। मुझे लगता है अतिथियों की सेवा में कोई कमी ना रहे, यह इनकी सक्रियता का एक प्रमुख कारण हो सकता है। प्रातःकाल नाभि गांव के गलियारों में चलने से मुझे शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हो रही है। जहां शहरों में मई के इस महीने में गर्मी से लोग तप रहे हैं, नाभि में हमें स्वेटर की आवश्यकता महसूस होती है। गाइस, मैं नाभि में ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं
20 साल पुरानी उत्तराखंड में हूँ। जिस कदर रास्ते के एक तरफ पत्थर की दीवार और दूसरी तरफ लकड़ियों से घेरवाड़ी की गई है, और साथ में यहाँ बने यह प्राचीन मकान मुझे याद दिला रहे हैं मेरे बचपन की। गाइस, नाभी में प्रातः स्नान करने के पश्चात हमारे समूह के सभी सदस्य तैयार हो चुके हैं आदि कैलाश के दर्शन के लिए। गाइस, अभी करीब करीब सुबह के 9 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं हमारी यात्रा पे। गाइस, जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे, यह रास्ता उतना ही साहसिक और उतना ही हसीन होता जा रहा था। गाइस, आज हम आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। गाइस, आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक कैलाश है, जहां भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार आदि कैलाश पर्वत पर शिवजी विश्राम करते हैं। गाइस, आदि कैलाश हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, तो आज की हमारी यह यात्रा आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ एक तीर्थ यात्रा भी है। गाइस, जैसे जैसे सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एहसास हो रहा है कि क्यों बोला जाता है कि भगवान स्वर्ग में निवास करते हैं। गाइस, यह भूदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। गाइस, मैंने जीवन में इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी। इस सफर में सड़क के एक तरफ कलकल बहती नदी, दूसरी तरफ पहाड़ और सामने गगनचुंबी हिमालय, इस भूदृश्य को देख जुबान में बस एक ही शब्द आता है, स्वर्ग और सिर्फ स्वर्ग। गाइस, इन भूदृश्यों ने हमारे समूह के सभी सदस्यों का दिल चुरा लिया है। यह नदी इतनी साफ है कि इसके अंदर मौजूद एक एक पत्थर का हम रंग बता सकते हैं। यह नदी इतनी खूबसूरत लग रही है, और जिस कदर यह पत्थरों से उछलकर कलकल बह रही है, वह आवाज, वह ध्वनि हमारे लिए किसी संगीत से कम नहीं। मानो ऐसा महसूस हो रहा है हम प्रकृति के मधुर संगीत को सुन रहे हैं। ग्लेशियरों से पिघलती हुई जलधाराएं इस नदी को और विकराल रूप देती जा रही हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में इससे शुद्ध और इतनी साफ नदी कोई नहीं देखी। गाइस, इस यात्रा को करने से मुझे एहसास हुआ कि पिथौरागढ़ को यूं ही नहीं मिनी कश्मीर और स्विट्जरलैंड कहते हैं। गाइस, इस सफर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम ग्लेशियरों के और नज़दीक पहुंचते जाते हैं। हिमशिखर मानो हमारे सामने खड़े हों। गाइस, जैसे जैसे इस सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं, यह सफर उतना ही खूबसूरत और साहसिक होता जा रहा है। हिमशिखरों से पिघलकर बहती हुई जलधाराएं मानो हमारा स्वागत कर रही हों। पिथौरागढ़ की इस प्राकृतिक खूबसूरती को देख हमारा पूरा समूह इसकी प्राकृतिक खूबसूरती का कायल हो चुका है। गाइस, जितना खूबसूरत यह रास्ता है, उतना ही खूबसूरत हिमालय की इन वादियों में बसा कोटी विलेज है, जहां पर पांडवों ने अपना वनवास काटा था। यहां पर पांडवों का किला भी मौजूद है।
कोटी गांव की इस खूबसूरती के हम सभी दीवाने हो चुके हैं। गाइज, आइए सुनते हैं संतोष भाई के शब्द, जो हैदराबाद से हैं और पहली बार यह यात्रा कर रहे हैं। So we are the middle of the snow mountains today morning. So this is Akuti village, and from here we need to go forward to have Adi Kailash darshan, and from there Parvati Kund and all. And it's amazing. And I've been to Basel and to Switzerland, Bonn, everywhere, but I didn't find the mountains like this. You know, I think India has a very good options here, but somehow people are not exploring in the right way. तो गाइस, यह थे संतोष भाई के शब्द, जो हैदराबाद से हैं और पहली बार आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर रहे हैं। गाइज, जैसे जैसे हम सफर में आगे बढ़ रहे हैं, यह सफर उतना ही साहसिक होता जा रहा है। यहाँ आकर हमें महसूस होता है आखिर क्यों 4x4 वाहन की आवश्यकता पड़ती है। गाइज, कुछ श्रद्धालु अपने जोखिम में यहाँ तक फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कारें लाए हुए थे, जो कोटी से आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर बाइक से भी आए हुए हैं, जो बताता है कि वह घूमने के कितने शौकीन और साथ ही कितने आध्यात्मिक हैं। गाइज, आदि कैलाश की यात्रा करने से मानो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा जीवन धन्य हो चुका है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गाइज, इस यात्रा को करने के पश्चात मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन में हर किसी को एक बार आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। गाइज, हम घूमने के लिए विदेश जाते हैं, परंतु हमारे ही देश में इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है, हमें मालूम तक नहीं। गाइज, अगर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा मेरे साथ करना चाहते हैं, या फिर आप अपने समूह का टूर मेरे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं, तो मुझसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे। हमारे होमस्टे का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अभी हमें 3 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम अभी जोलिंगकोंग पहुंचने वाले हैं। जोलिंगकोंग से शिव मंदिर 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। गाइज, लगभग 3 घंटे से ऊपर के सफर के बाद जब हम जोलिंगकोंग पहुंचे, जोलिंगकोंग से हमारी पैदल पग यात्रा प्रारंभ होती है। गाइज, शिव मंदिर से हमें आदि कैलाश पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शन होते हैं। माना जाता है पार्वती सरोवर का पानी बहुत पवित्र होता है और इससे स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। गाइज, आदि कैलाश पर्वत के दर्शन 40% श्रद्धालुओं को ही हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बादल रहते हैं। जब बादल हटते हैं, आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कुछ इस प्रकार होते हैं। गाइज, शिव मंदिर में पूजा पाठ और आदि कैलाश के दर्शन के पश्चात हम पार्वती सरोवर का पवित्र जल अपने साथ लाए और हमने नाभि की ओर प्रस्थान किया। गाइज, नाभि पहुंचकर
हम लोग जुट चुके हैं हमारी कल की यात्रा की तैयारी में। गाइज, आज हमारा नाभि में तीसरा दिन है और नाभि से हम प्रातः तैयार हो चुके हैं अपनी आज की यात्रा के लिए। आज हम ओम पर्वत के दर्शन के साथ साथ काली नदी के उद्गम स्थल के दर्शन और मनोकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। नाभि से निकलते ही सर्वप्रथम हमें मनोकामना मंदिर के दर्शन होते हैं। मनोकामना मंदिर नाभि से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। प्रातः भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से हमारा आज का पूरा दिन साकार हो चुका है। प्रातः जिस कदर सूर्य की किरणें भोलेनाथ के मंदिर पर पड़ रही हैं, हमें अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हुई प्रतीत हो रही है। मनोकामना मंदिर में ध्यान लगाने से हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो रही है। मनोकामना मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम अपने आज के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह की गुनगुनी धूप हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा की उत्पत्ति कर रही है। प्रातः भोलेनाथ के दर्शन करने से शरीर की सारी थकान और सारे मानसिक तनाव दूर हो चुके हैं और जैसे ही हम मनोकामना मंदिर से कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें एक प्यारा सा गांव दिखता है जिसका नाम है गुंजी। और यहां पर ITBP की चेक पोस्ट है जहां पर इनर लाइन परमिटों की जांच होती है। इनर लाइन परमिटों की जांच कराने के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं नाभि ढांग के लिए, जहां से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। नाभि ढांग पहुंचते ही हमारा समूह जुट गया हवन की तैयारी में। कुमारं शक्ति संजतं मंगलं प्रणमाम्यं भौमाय स्वाहा। गाइज, नाभि ढांग से हमें पार्वती नाभि और ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत के दर्शन भी 40% श्रद्धालुओं को ही हो पाते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बादल रहते हैं। जब बादल हटते हैं तो ओम पर्वत कुछ इस प्रकार दिखाई देता है।
गाइज, जब ओम पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यह पूरा सुनहरा दिखाई देता है। और बताया जाता है जब यहाँ पर बर्फबारी होती है तो श्रद्धालुओं को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम पर्वत को छोटा कैलाश और आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। गाइज, नाभिधांग से ओम पर्वत के दर्शन और नाभिधांग में हवन करने के पश्चात हमने प्रस्थान किया काला पानी की ओर। गाइज, काला पानी काली नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का और काली मैया का मंदिर स्थित है। गाइज, काली नदी के उद्गम स्थल के दर्शन करने के पश्चात आज हमारा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का आखिरी दिन है और आज हम प्रस्थान कर रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर। गाइज, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन होना जितना ही दुर्लभ है उतनी ही यादगार यह यात्रा है। यह यात्रा का सौभाग्य भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। गाइज, हमने यह यात्रा मई के माह में की। उसके पश्चात सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण यह यात्रा पूर्ण रूप से बाधित है और मैं हमारे समूह के सभी सदस्यों को भाग्यशाली समझता हूँ जो हम यह यात्रा बिना किसी बाधा के कर पाए। गाइज, अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। गाइज, अगर आप यह यात्रा मेरे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं तो मुझसे हमारे होमस्टे के नंबर में संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। गाइज, अगर आपको मेरा आज का यह ब्लॉग पसंद आया तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।